अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सादिया मुनीरिज हेयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि आप हीलियम 10 का यूज़ जो है वो कैसे कर सकते हैं, और हीलियम 10 में जो ब्लैक बॉक्स है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये हीलियम 10 का जो है डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें ब्लैक बॉक्स लिखा हुआ है। तो हम इस ब्लैक बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ब्लैक बॉक्स को ओपन करने के बाद इसमें कुछ फिल्टर जो है वो हमने अप्लाई करने हैं। वो क्या फिल्टर है, कैसे अप्लाई करने हैं, वो अभी मैं आपके सामने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो हंटिंग है वो आपकी ईजी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी मार्केट चेक कर लेनी है। इट मीन्स कि अगर आप यूके की मार्केट में जाके प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं तो आप यहां से लोकेशन चेंज कर लीजिए। आप यहां पे लोकेशन कौन सी देंगे, यूके की देंगे। बट अगर आप यूएसए में करना चाह रहे हैं तो आप लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे। यूएसए के लिए आपकी .com है और यूके के लिए आपकी जो लोकेशन है वो amazon.co.uk है। जैसे मैंने अपनी मार्केट सेलेक्ट कर ली है amazon.co.uk, ठीक है। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपने अब इसके अंदर जो फिल्टर लगाने हैं वो मैं आपके सामने लगाऊंगी। इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो इजी हो जाएगी, आपको अच्छी प्रोडक्ट्स कम टाइम में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन कि कौन कौन से फिल्टर हैं जो हम अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो देखें, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब आप यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, दो कैटेगरीज में जाना चाह रहे हैं, तीन कैटेगरीज में जाना चाह रहे हैं, कितनी कैटेगरीज जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ ऑटोमोटिव्स, फिर मैं करती हूँ बेबी प्रोडक्ट्स। बेबी प्रोडक्ट्स की मैं देखती हूँ और किस कैटेगरी के साथ मैं जा सकती हूँ। हम लोग चेक कर लेते हैं कैटेगरीज को वन बाय वन। ब्यूटी कैटेगरीज भी, बट ब्यूटी गेटेड में है तो ब्यूटी कैटेगरी में हम टूल्स यूज कर सकते हैं, बट कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते जो गेटेड प्रोडक्ट्स में आए, ठीक है। हेल्थ एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन को आप यूज कर सकते हैं, अच्छी रिकमेंडेड कैटेगरीज है, इनमें आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इसके अलावा पेट सप्लाइज में आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, और आपको ऑफिस प्रोडक्ट्स में भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। ऑफिस प्रोडक्ट्स आई थिंक ऊपर रह गए, उसको हम चेक कर लेते हैं हमारे ऑफिस प्रोडक्ट्स किधर है। हम लोग ऑफिस प्रोडक्ट्स को भी चूज कर लेते हैं, होम एंड किचन को भी मैंने कर लिया है। ओके, प्लस वन, होम एंड किचन भी हो चुकी है हमारी। और अब हम देखते हैं हमारी ऑफिस प्रोडक्ट्स किस साइड में है। हेल्थ एंड पर्सनल केयर को भी आप चूज कर सकते हैं। आई थिंक सो इट कैटेगरीज इनफ है हमारे लिए। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सेलर्स। अगर तो आप कर रहे हैं पीएल की हंटिंग तो हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब वो आपसे कह रहे हैं प्राइस आपकी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। मिनिमम आप प्राइस यहाँ पे लिख लें 15 pounds, ठीक है, और मैक्सिमम आप कर लें 50 pounds, क्योंकि अगर आप कम प्राइस के साथ जाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि 10+ जो है ना आपकी 10+ आपकी जो है वो होनी चाहिए प्राइस। ओके, हो गया। अच्छा जी, अब आपसे पूरा है कि रिव्यू काउंट जो है वो आपके कितने होने चाहिए। अब हम मैक्सिमम में लिख देते हैं 1500। ओके, अब वो आपसे पूछ रहा है प्राइस चेंज नो मंथली रेवेन्यू, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि मंथली रेवेन्यू जो है वो आपका कितना होना चाहिए, मंथली रेवेन्यू। तो हम मिनिमम में लिख देते हैं 6000, क्योंकि ये हमारा मिनिमम है, और जो है उसके बाद मैक्सिमम जहां तक मर्जी चला जाए वो हमें फिल करने की जरूरत नहीं। आप बस मिनिमम में लिखते, मैक्सिमम में नहीं लिखना। अब आप पूछते हैं बेस्ट सेलर रैंक क्या वो आपका होना चाहिए। आप मैक्सिमम में कर दें 20000, ठीक हो गया। ये मैं आपको बता रही हूँ पीएल की हंटिंग के लिए, ठीक हो गया, ये आपके पीएल की हंटिंग के लिए है। अब सेल, मंथली सेल्स वो कह रहे हैं कि जो मंथली यूनिट्स हैं वो आपके एटलीस्ट कितने सेल हो रहे हों। तो आप यहाँ पे लिखें 800, ये हमारे मिनिमम है, मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाएं, मिनिमम मैंने लिख दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें कौन सा फिल्टर है जो हमें अप्लाई करना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। अब हमारा 8 ये भी हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमें और किस यूनिट को, हमें किसको चाहिए।
ठीक है, मंथली रेवेन्यू भी हो गया। अब आपकी वो पूछ रहे हैं बेस्ट सेलर रैंक भी हो गया। अब वो पूछ रहे हैं शिपिंग साइज आपको कौन सा चाहिए। शिपिंग साइज के आपको स्टैंडर्ड, आई थिंक सो, जो स्टैंडर्ड पार्सल होते हैं ना वो आपके लिए ठीक रहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड पार्सल जो है उसको चूज कर लें। स्टैंडर्ड पार्सल को चूज करने के बाद अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि आपका वेट है वो लेस कितना होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जितना कम आप लोग वेट कर सकते हैं ना, यूज वेट कम करें, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट वेट होगी तो आपको शिपिंग फीस बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो आप लोग जो वेट है आपका मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि आप दाम पे रहे तो आपके लिए बेस्ट है। अब आप पूछ रहे हैं कि फुलफिलमेंट आपको कौन सी चाहिए। अब फुलफिलमेंट में अमेजोन भी है, एफबीए भी है, एफबीएम है। आप इन तीनों को सेलेक्ट कर लें, इसमें से किसी एक मखसूस को आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। बेस्ट सेल्स मंथ इसको भी छोड़ दें। उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस इसको भी आपको करने की जरूरत। वेरिएशन काउंट पूछ रहे हैं कि आपको वेरिएशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आपको वेरिएशन नहीं चाहिए तो आप इसको नहीं फिल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमने, अब देखिए हमने जो फिल्टर थे वो लगा दिए, इसको अब आप कर देंगे सर्च। अब जो हमने क्राइटेरिया दिया था और जो जो कैटेगरीज दी थी, उस कैटेगरीज में उसने हमारे सामने वो प्रोडक्ट्स ला दी हैं जिसको जो जो हमने फिल्टर लगाए थे। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने हेल्थ एंड पर्सनल केयर का लगाया था, कैटेगरीज बताई थी उसकी क्या है, कैटेगरी में बीएसआर बताया था, मैंने प्राइस बताई थी कि मुझे कितनी चाहिए, मंथली सेल मैंने बताई थी, मंथली रेवेन्यू मैंने बताया था, रिव्यूज ईच एंड एवरीथिंग ये मैंने आपको बता दिया था। तो आप इसको अब चेक कर सकते हैं कि इसने हमें कितनी प्रोडक्ट्स निकाल के दी। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स आई हैं। अब मेरे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने फिल्टर लगाया था। तो सिंपली आप बाय बॉक्स को इस तरह फिल्टर लगाकर विनिंग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को ओपन करते जाएं और इन पे अपना क्राइटेरिया चेक करते जाएं। जो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे पूरी हो सकती है देन आप एनालिसिस करें और अब जो आप इसका उस प्रकार से जा सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स करने का ये सिंपल वे है जो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से ब्लैक बॉक्स से आप अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। आज का मेरा सेशन इतना ही है। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।